फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे TP4056 जो आपका चार्जिंग मॉड्यूल बोर्ड होते हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा चार्जिंग मॉड्यूल बोर्ड है और ये सर्किट बोर्ड बहुत ही छोटा है। यहाँ पे आप माइक्रो चार्जर के थ्रू आप यहाँ पे चार्ज दे सकते हैं। मोबाइल का जो 5 वोल्ट का जो चार्जर आते हैं उसके द्वारा इसमें आप यहाँ पे चार्ज दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लिपो बैटरी और लिथियम आयन बैटरी दोनों को यहाँ पे चार्ज दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका बैटरी का कुछ यहाँ पे आपका सिंबल यहाँ पे दिया है। बैटरी का प्लस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो दोनों जगह पे आपको प्लस माइनस यहाँ पे लगाना पड़ेगा और उसका साइड में आपको यहाँ पे आउटपुट का यहाँ पे सेक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है प्लस और माइनस का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आउट प्लस और आउट माइनस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स, जो मैं यहाँ पे बैटरी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिपो बैटरी 3000 mAh का लिपो बैटरी यहाँ पे 3.7 वोल्ट का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अगर चाहते हैं तो लिथियम आयन बैटरी जो होते हैं वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सैमसंग का लिथियम आयन बैटरी है ये, तो यहाँ पे इसको मैं अभी यूज़ नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लिपो बैटरी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो चलिए फटक से इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, प्लस के जगह पे प्लस वायर यहाँ पे आपको लगाना होगा और माइनस के जगह माइनस वायर यहाँ पे आपको लगाना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा सोल्डरिंग हो गया है। अभी यहाँ पे दोनों वायर में ये एक्स्ट्रा वायर में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जिसको यहाँ पे आउटपुट के लिए मैं लूंगा। और इसको भी आपको यहाँ पे प्लस के जगह पे प्लस वायर आपको यहाँ पे लगाना होगा और माइनस के जगह पे माइनस वायर आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो चलिए जल्दी से मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं मेरा सोल्डरिंग हो चुका है और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मल्टीमीटर से मैं यहाँ पे आपको चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अभी आउटपुट वोल्टेज कितना यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे मेरा जो बैटरी है, बैटरी थोड़ा बहुत चार्ज है ऑलरेडी और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं 3.7 वोल्ट्स अराउंड यहाँ पे आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे आपको टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं मोबाइल चार्जर यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइट यहाँ पे जल रहा है, मतलब यहाँ पे चार्जिंग हो रहे हैं। जब भी एक चार्जिंग खत्म हो जाएगा यहाँ पे ब्लू लाइट इंडिकेट करेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अभी आपको यहाँ पे 8GB जो LED लाइट होते हैं वो यहाँ पे मैं टेस्ट करके आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये इसका जो वोल्टेज होते हैं 3.5 वोल्ट अराउंड यहाँ पे होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8GB जो लाइट हुए बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्लो कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा ब्लिंक कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अभी जो वोल्टेज है मेरा बैटरी में थोड़ा बहुत चार्जिंग है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अभी चार्जिंग में यहाँ पे लगाने वाला हूँ और यहाँ पे स्टॉप वॉच ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कितना टाइम पे ये चार्ज फुल होते हैं। मेरा बैटरी पे मैं पहले ही बोला था आपको कि मेरा बैटरी पे थोड़ा बहुत ऑलरेडी चार्ज है, तो यहाँ पे कुछ अराउंड अभी 10 मिनट्स के 15 मिनट्स के अंदर ये पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा चार्जिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये चार्जिंग मॉड्यूल बहुत ही अच्छा है। आप अगर घर पे आप इमरजेंसी लाइट बनाना चाहते हैं या आप ब्लूटूथ स्पीकर बनाना चाहते हैं, कुछ भी आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है ये चार्जिंग मॉड्यूल, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको परचेस कर सकते हैं और इसका प्राइस भी बहुत ही कम रेट पे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पे इतना ही। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे आपका फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।